जब जो लाइन इसमें दिया रहता है ना, और जब उसको लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, गिवन एज, और जब फॉर्मूला लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन बाय। याद रखो, उल्टा उल्टा नहीं करेगा, काम निकले वहां गिवन है, काम जब भी फॉर्मूला लिखना होता है गिवन बाय लिख, जो चीज दिया होता है और उसको लिखना है।
कभी कभी ऐसे एग्जाम में मौका मिलता है ना, कभी कभी। मैं इंजीनियरिंग के चौथे साल में था ना, लास्ट ईयर का पेपर हमारा चल रहा था, सब ब्रांचेस का चल रहा था। तो ऐसी खबर सुनने में आई थी कि मैं तो मेरा ब्रांच को अलग था, मेरा केमिकल था, बाकी लोग का मेरे फ्रेंड का एक ब्रांच था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का। नॉर्मली ऐसा होता है ना, इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे ब्रांच, और पेपर पे ना कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, कोड रहता है। मतलब अगर वो पेपर किसी और को दे दिया जाए तो वो समझ नहीं पाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर। पूरे इंजीनियरिंग में चार साल में 52 सब्जेक्ट होते हैं, 52 सब्जेक्ट, और उसमें से किसी सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट लिखा नहीं रहता है, किसी को दे दिया जाए पेपर को क्या समझेगा कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है, है ना। तो गड़बड़ हो गया था उन लोग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को चला गया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स को चला गया पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में इंटरचेंज। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सेमेस्टर एडवांस चलता है, तो उनको पेपर किया तो उनको तो मजा आ गया, और ये तो लास्ट टाइम का पेपर है, छाप लिया पूरा, सब पढ़ा था पहले से, सब आता था, एडवांस लेवल ही पढ़ा था, दबा के लिख के आए। और जो ट्रॉनिक्स वाले थे वो तो अरे तो पढ़ा था, सिलेबस में था क्या, सब एक दूसरे से बस डिस्कस कर रहे पूरा, मतलब एग्जाम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम हो रहा है, और सर भी टेंशन में, सब लोगों ने नाम लिखा और पेपर सबमिट करके बोला जय श्री राम। पेपर चेंज करने के बाद भी अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है, या हमसे गलती हुआ है बच्चों लोगों के, या तो री एग्जाम ले लो, अदरवाइज सबको पास हो गए, हमारे पास तो व्यवस्था है कि नहीं। अब अभी बहुत मतलब क्या होता है ना ऐसे केसेस में ना कॉलेज का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, और पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाला कॉलेज कोई है ना तो वो है केजे सोमैया। सोमैया कॉलेज का नाम सुना है? नहीं सुना यार, ऐसा कोई दो कॉलेजेस होती है, विद्या विहार में भी है और एक वासी साइड में भी है, दो जगह पे है उसके कॉलेजेस। विद्या विहार में बहुत बड़ा है, सर सोमैया हॉस्पिटल है, सोमैया फार्मेसी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब डिग्री कॉलेज है, सब है, 11 12 का भी कॉलेज है, सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। उसने डायरेक्ट केस कर दिया मुंबई में, बोला तुमने हमारे सारे बच्चों को फेल किया जानबूझ के, सारे बच्चों को सीधा उसको बुलाया उन लोगों ने, बोला कि मैं अभी ना खाली मैंने केस किया ना, सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है ना सबका साइन लूंगा, सब लोग मिलके तुम्हारे यूनिवर्सिटी बंद है। उसको बुलाया और जानता था कि अगर केस हुआ ऐसा कुछ भी हुआ तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेके जितने लोगों ने पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सबका सब खुल जाएगा, सबका जवाब चला जाएगा। मांडुली हुआ
मार्क दे सकते हैं, पूरा तो पूरा नहीं दे सकते ना। उसने बोला कि नहीं नहीं आपको पूरा देना पड़ेगा, 40 का 40। लास्ट में उसको मानना पड़ा, सब बच्चों को 40 मिला। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो गया जो बेचारे अच्छे थे। तो नहीं पढ़ना तो उर्दू अच्छे बेचारे उनका। लेकिन उनके लिए भी उन लोगों ने सोचा, बोला कि जो लोगों ने भी जो कुछ लिखा है पेपर में सबको पास करेगा, तो जो खाली नाम लिखे आए थे उनको खाली पास हो, और जो सोचे कि तो कुछ भी पूछा है ना मैं कुछ भी लिखूंगा। पेपर टॉप आया तो खुश होने का, तो बोलो अरे मेरे अकेले के लिए थोड़ी आया, है कि नहीं, सबके लिए आया ना, बहुत अच्छा है। 10 मार्क टॉप पर क्लास याद रखेगा, और ये यार पेपर में यही पास हुआ है कि नहीं। और पेपर अगर बहुत इजी है ना, सबको 90+ मिला है, कोई किसी को क्यों भाव देगा, है कि नहीं, सही बोल रहे हो? तो टॉप आया तो ज्यादा खुश हो रहेगा, चलो सबकी बात लगेगी, आज मजा आएगा। पेपर देने के बाद है ना, चलो देना। लोग परेशानियों से ना घबरा जाते, परेशानी जब आती है ना तो खुश होने का, समझ में आएगा क्या? आपको टक्कर वाला मिला है उसको आपको टक्कर देंगे, समझ में आएगा? लोग क्या करते हैं देख लो ना, थोड़ी सी परेशानी आया तो सहने को रेडी नहीं है ना, सहना रहता है, उससे लड़ना रहता है, हार नहीं मानता है कि नहीं। देखो ये आ गया सबका, सी वाला क्वेश्चन कितना लिखा है, 2x minus 3y = 2x minus 3y = 2। देखो यहाँ पे सब लोग, सबसे पहले क्या करना होता है, माइनस 12 जाएगा, राइट? ए देखो यहाँ पे आप सबको 12 से डिवाइड कर दो, तो 2x upon minus 3y upon minus 12 upon minus 12। ऐसे क्यों किया? इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में क्या है, वन को तभी आएगा जब सेम सेम नंबर से हम क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, x upon minus 6 ये minus और ये minus, y upon 4, राइट? लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ x = y = 4। जल्दी जल्दी बोलो, लोग इतने पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं उसमें, ऐसा नहीं खाली अनपढ़ लोग ही करते,
अगर कोई सामान किसी ने आपको दिया और वापस से आपसे मांग लिया, तो आपको उसमें दुखी होने वाली क्या बात है? सही बोल रहे हो? मान लो कि आपके पापा ने कुछ आपको दिया, पापा से बोले ये मेरा सामान ले लो, है कि नहीं? वैसे ही इस दुनिया में जो भी अपने को मिलता है वो सब कौन देता है? गॉड। अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से वो सारी चीजें चली जाती है, तो उसमें दुखी होने वाली क्या बात है ना? गॉड ने दिया, गॉड ने हमको बताओ भाई, है कि नहीं? लोग करते हैं ऐसा, स्ट्रॉन्ग बनो। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, कुछ भी हो जाए हम है ना मारेंगे नहीं। ये हो गया लिख के। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ए एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? मतलब जितना एक्स पे इंटरसेप्ट है उतना ही वाई पे इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ए इक्वल टू क्या लिखा है? बी, है ना? एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज गिवन बाय, क्या है? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू व्हाट? A equal to B. This is given. X by A plus Y by A equal to 1. You jayega X plus Y upon A. First bend. Jalak mo si nila de. Ye kitna aa gaya? This is the equation number. But it passes through. कौन से पास होता है? 3, 4 या गया x या गया कितना हो जाएगा? 3 + 4 इक्वल टू कितना? वैल्यू कितना? 7। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू दिस इज द
अरे हो गया क्या? लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? देखो एक ट्रायंगल है, काफी बड़ा सा है, तो ध्यान से देखो। और सबसे टफ समथिंग है अब तक का सबसे डिफिकल्ट था, पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट था। ए बी सी अपने को अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, तो इसके पहले वाले सब में क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ने मीडियन का इक्वेशन निकाला था। अल्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्या होता है ये अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट नहीं निकाल सकते, डी पॉइंट अपने को नहीं मिल सकता, ई पॉइंट अपने को नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ एडी का स्लोप मिल सकता है। और एडी का स्लोप, बी का स्लोप और सीएफ का स्लोप निकालने के लिए ना अपने पास बीसी का स्लोप, एडी का स्लोप और एसी का स्लोप होना चाहिए। तो सबसे पहले तीनों साइड का क्या निकालेंगे हम लोग? स्लोप, स्लोप ऑफ सेगमेंट इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सबसे पहला किसका निकालते हैं? BC का। तो B आ गया x1 y1, C आ गया x2 y1, x1 y1 है ये x2 y2, तो y2 minus y1, y2 कितना है? minus 3, y1 कितना है? upon x2 कितना है? minus 2, ये कितना है? minus 3 plus 1 minus 2 upon minus 3, कितना आ गया बोलो? Right. है ना? अब क्या निकालना आपने को? AB का स्लोप। Similarly, MAB, AB तो क्या आएगा? BC का। ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2। तो minus 3 minus 5 minus 4 minus 2 8 upon minus 6 कितना आ गया बोलो? 4 by 3 right। अब आ गया MEB कितना आएगा? x1 y1 x2 y2 minus 1 minus 5 6 minus 1 minus 6 upon कितना आ गया? right। तीनों साइड का स्लोप आ गया। अब अपने को तीनों अल्टीट्यूड का स्लोप निकालना, क्या निकालते हैं? अल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर, है ना? अल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल
माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ ए सी, राइट। अरे परपेंडिकुलर जब भी दो होता है लाइन तो क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, माइनस वन अपॉन। फॉर्मूला देखो लिख के दिया है मैंने पहले दिन ही, तो पढ़ के लिए आता है, कुछ भी पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। खाली बैग लेके आएगा, क्लासरूम बैठेगा तो कुछ नहीं आएगा। मैथ को मैं जो भी फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख के देता हूँ उसको घर पे पढ़ना रहता है। M2 इक्वल टू माइनस वन अपॉन M1, देखो कंडीशन ऑफ लाइन में लिख के दिया है, देखो तीनों का स्लोप आ गया, तीनों एटीट्यूड का स्लोप आ गया। अब तीनों सॉल्व किससे होगा, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स इज गिवन बाय y minus y1 m x minus x1 by slope point form, right? तीनों का इक्वेशन इसी फॉर्मूले से निकालना है, चाहे AD हो चाहे BE हो चाहे CF हो, right? जब AD का लेंगे तो स्लोप यहाँ पे किसका रखेंगे, AD का। AD का स्लोप कितना है, माइनस वन, और पॉइंट क्या लेंगे, ए, राइट। जब बीई का निकालेंगे तो बीई का स्लोप कितना है, माइनस थ्री बाय फोर, और पॉइंट क्या लेंगे, बी। जब सीएफ का निकालेंगे तो सीएफ का स्लोप कितना है, टू बाय थ्री, और पॉइंट क्या लेंगे, सी। समझना है, चल इसके आगे बताता हूँ, पहले इतना लिख लो, फटाफट लिखो। Thank you.